जय हिंद दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टील सेंटर में स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करें। आपका आगे का सवाल जो टाइप नंबर 2 का कुछ सवाल हुए थे, तो सवाल कहाँ तक हो गए थे? सवाल हमारा 12 नंबर पर आना है, तो आइए यहाँ से देखें। सवाल नंबर 12, परसेंटेज चल रहा है बच्चों, परसेंटेज में टाइप नंबर 2 आपका स्टार्ट हुआ है। और सवाल स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से, क्योंकि 11 नंबर तक सवाल हो गए थे, अब चलते हैं 12 नंबर से। सवाल नंबर 12 में बोला गया है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के प्रतिशत के बराबर है। तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम के प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत के। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, बराबर है। बच्चे सवाल में बोला गया है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, तो तुलना किससे हुआ है? 2 किलोग्राम से। किसका? 65 ग्राम का। तो 65 ग्राम को परसेंट में बदलना है, तुलना किससे हुआ है? 2 किलोग्राम से। लेकिन ये क्या है? ये हमारा ग्राम है। और बच्चों आपको पता है, तुलना हमेशा समान पदों की होती है, समान राशियों की होती है। असमान से तुलना आप कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे इंसान की तुलना इंसान से होता है, जानवर की तुलना जानवर से होता है, पैसे की तुलना पैसे से होता है, रुपए की तुलना रुपए से होता है, उसी प्रकार बच्चों यहाँ ग्राम की तुलना ग्राम से करेंगे या तो किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से करेंगे। कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि ये ग्राम की तुलना हम किलोग्राम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि एक घोड़ा है वो बड़ा स्मार्ट है और एक बच्चा है वो भी बड़ा स्मार्ट है। कभी आप इंसान की तुलना जानवर से नहीं कर पाएंगे। कभी एक नहीं ये आप ये नहीं कह पाएंगे, एक कुत्ता है जो बड़ा सुंदर है और एक बच्चा है वो भी सुंदर है। आप दोनों की जानवर की तुलना इंसान से और इंसान की तुलना जानवर से आप कभी नहीं कर सकते हैं। लोग कह देते हैं, बहुत की बात है, गांव में लोग कहा करते हैं। आप समझ गए होंगे भावनाओं को, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो आइए यहां हमको ग्राम में किलोग्राम या किलोग्राम को ग्राम बना ले। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम। उसी प्रकार बच्चों 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 2000 किलोग्राम, वो सॉरी 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। तो अगर इसमें हम, ये तो हमारा 65 ग्राम ही है, अगर ये क्या है? ग्राम है। और ये हमारा 2 किलोग्राम है, हमको अगर इसको 2 को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये हमारा ग्राम में बन गया, किसमें बन गया? ग्राम में बन गया। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो नीचे ग्राम ऊपर ग्राम ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये 3 जीरो ऊपर का 2 जीरो को कटा देगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 करना 5, 5 तिहाई 15, तो 13/4 हो जाएगा, 4 4 4 तिहाई 12। तो ऑप्शन दे रहे हैं किस तरीके से दिया है, पहले ऑप्शन दे लिए। ऑप्शन में तो हमारा पॉइंट भी दिया गया है, मतलब 4.25 आएगा, 3.25, 4 तिहाई 12 और 4 दुनिया 6×5 20, तो 3.25, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? नहीं कह रहा है क्या? यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब तो कुछ दिखे नहीं है। फिर चलिए ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 13/4। इसको हल करेंगे तो 4 × 12.25 ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब दिखाई दिया, अब बिल्कुल दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पर आपको सवाल वैसे ही है, लेकिन बच्चों थोड़ा से आपको दिमाग को ब्रेक करने की आवश्यकता किया है, आवश्यकता किया है। सही, तो यहाँ देखिए, तो हमारा 1 किलोग्राम को हमको ग्राम में बनाना पड़ेगा, तभी ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम हो गया। अगर दोनों ग्राम ग्राम हो गए तो ग्राम की तुलना हम ग्राम से कर सकते हैं, क्योंकि समान चीजें हैं, समान राशियां हैं, तो हम ग्राम की तुलना ग्राम से कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल बोला गया है कि 30 क्विंटल 6 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत वजन? क्या बोला गया जो हम लिख भी दे रहे सवाल? बोला गया 30 क्विंटल क्या है? 30 क्विंटल 6 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, यही बोला गया है। 30 क्विंटल 6 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है, ये टन लिखा गया है। तो 30 क्विंटल की तुलना हुआ है 6 मैट्रिक टन से, और आप देख रहे हैं कि इसी के साथ का लगा है 6 मैट्रिक टन का। तो जिसके साथ का या सा लगा बच्चों, उसको नीचे लिखा करते हैं, उसको बटे में लिखा करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों ये 30 क्विंटल 6 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है? तो पहले तो आप ये बताइए, ये हमारा क्विंटल में है और ये हमारा टन में है, क्या हम तुलना कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे तुलना, क्योंकि असमान चीजें हैं, असमान संख्याएं हैं। तो आपको क्या गौर करने की बात है यहाँ? आपको ये गौर करना है कि एक क्विंटल की बात की जाए, अगर एक क्विंटल की बात की जाए तो एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम होते हैं। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। अगर एक क्विंटल में 100 किलोग्राम तो एक टन में कितने किलोग्राम होंगे? एक टन में 1000 किलोग्राम होता है बच्चों। तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम और एक टन में 1000 किलोग्राम। तो अगर इसको हम परसेंट में लाए तो प्रतिशत बराबर होता है जिसको परसेंट बदलना हो बटे जिससे तुलना की जाए गुणे 100। तो परसेंट में किसको बदलना है? 30 को। तुलना किससे होगा? 6 से। लेकिन ये हमारा क्विंटल में है, तो अगर हम 100 से गुणा करा दें, ये हमारा किलोग्राम बन गया, और ये हमारा टन में है, अगर इसमें 1000 से गुणा करा दें ये भी हमारा किलोग्राम हो गया। तो मतलब ये 3000 किलोग्राम और ये 6000 किलोग्राम, और प्रतिशत ले जाने के लिए बच्चों 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी आंकड़े को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए बच्चों 100 से गुणा किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका गुणा करेंगे, ये 3000 और ये हमारा 6000, ये हमारा 100 हो जाएगा। तो 3 × 6 ये 2 से कटेगा 50 बार में, तो हम डायरेक्ट एक ही लाइन बोल सकते हैं कि सवाल का उत्तर 50% आएगा। इस सवाल का उत्तर 50% आएगा। क्या यहाँ पर किसी बच्चों को दिक्कत है? हम यहाँ 1000 से गुणा कीजिए बच्चों, क्योंकि ये हमारा टन है। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो टन को हमने क्विंटल बना, सॉरी क्विंटल को हमने किलोग्राम बना लिया और टन को भी हमने किलोग्राम बना लिया, तो दोनों आंकड़े हमारा किलोग्राम में है, तो समान चीजें हो गई भाई, समान चीजें हो गई, तो तुलना अब कर सकते हैं। तुलना हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए
यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत अगर हो तो आप पूछें, अन्यथा आगे बढ़ें। चलिए अब आइए आगे की ओर चलते हैं। अगर आगे की बात की जाए तो हम आगे की ओर सवाल नंबर हमारा 14 रहेगा। सवाल नंबर 14 में क्या बोला गया आइए देखते हैं। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। भाषा वाली सवाल है, आपको समझना पड़ेगा भाषा। यहाँ पर बोला गया 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है, एक दशमलव एक चार को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए कीजिए। तो 1.9 के प्रतिशत में चलना है, तुलना किससे हुआ 1.4 के। बोला गया है कि 1.4 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब 1.9 को प्रतिशत में बदलना है। किससे तुलना हुआ 1.4 से, और प्रतिशत मिलाने के लिए सबसे गुणा करते हैं। प्रतिशत मिलाने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे गुणा। तो 19 का पहाड़ा पढ़िए क्या करेगा, 19 का 14 चलिए करेगा। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, 1 जीरो और बढ़ा दें, ये हमारा अगर यहाँ 1 जीरो और बढ़ेगा तो इसको हमको पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। 1 जीरो से अगर 1 जीरो हटा दे तो ये 19 हो गया, ये 1.14 × 10 हो गया। 19 × 14 लेकिन 2 अंक बाद है, 0.9 ऊपर क्या होगा 10 होगा। तो हमको यहाँ पर 2 जीरो हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, ये हमारा 1000/6 हो जाएगा। तो अगर 1000/6 हो जाएगा तो हम क्या कह पाएंगे, यहाँ 6×6=36 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, कितना नंबर 14 नंबर। वो तो सीधा सीधा कर रहा है, रुक जाइए देखते हैं। तो यहाँ अगर हम 1 जीरो बढ़ा दें, मतलब 1.9 गुणे अगर ये 1000 कर दें, ये हमारा 1.14 हो जाएगा। तो 19×114, तो बातें वही हो रहा, बातें तो वही हो रहा भैया। चौदह नंबर सवाल है, ये सवाल नंबर 14 है। कितना नंबर भैया, 14 नंबर सवाल है। यहाँ क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा सॉरी, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए गलती हो गई यहाँ पे, गलती क्या हुआ बच्चों, यहाँ देखिए 1.9 नीचे रहेगा और 1.14% रहेंगे सौ चूंगा। बोला गया है 1.14 को, तो किसको पर्सेंट बदलना है, 1.4 को। बोला गया है कि 1.4 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 1.4 को पर्सेंट बदलना है, तुलना किससे हुआ है 1.9 के। देखिए जिसके साथ का ऐसा हो जाता है
इसके साथ को लगा है, इसको समझता है का या के या से, ये हमारा हो जाएगा। अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर एक जीरो हटाएं तो ये 11.4 और 1.9 वही हमारा 10 हो जाएगा। तो 19 छक्का 114 और ये हमारा 60% हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है बच्चों, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गया, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। अगर 15 नंबर की बात की जाए तो 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, बोला गया है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 6 घंटे की तुलना किससे, एक दिन से हुआ है। 6 घंटे की तुलना किससे हुआ, एक दिन से। तो 6 घंटे और एक दिन परसेंट लाएंगे 100 से गुणा। तो ये हमारा घंटे में है, ये हमारा दिन में है, तो हमको घंटे में आना पड़ेगा। तो एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे अब गुणे 100। तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25 बार में और इस सवाल का 25% उत्तर आएगा और यही इस सवाल का सही उत्तर, यही इस सवाल का सही उत्तर दिया। बात समझ लिया आप लोग। चलिए अगला लिखिएगा, अगला सवाल क्या है। 15 नंबर ही हमारा हो गया, आगे 16 नंबर देते हैं। 8 मिनट 6 सेकेंड एक घंटे का कितना परसेंट है, 8 मिनट 6 सेकेंड का एक घंटे का कितना परसेंट है, क्या सवाल लिखना पड़ेगा। सवाल बच्चों अब नहीं लिखेंगे, लिख दें। चलिए लिख देते हैं, बोला गया क्या बोला गया है, 8 मिनट 6 सेकेंड, 8 मिनट 6 सेकेंड एक घंटे का कितना प्रतिशत है, 8 मिनट 6 सेकेंड एक घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 8 घंटे 6 सेकेंड एक घंटे का कितना परसेंट है, तो 8 मिनट और 6 सेकेंड का तुलना हुआ है एक घंटे से, आप परसेंटेज में लाएंगे 100 से गुणा। ये मिनट में है, ये सेकेंड में है, घंटे में है, सारे आंकड़े हमारे अलग अलग हैं। तो इन तीनों आंकड़ों को हमको समान करना पड़ेगा, कोई भी एक समान बना लीजिए, चाहे इसको इसको दोनों घंटे बना लीजिए, घंटा ही है, चाहे इसको मिनट और इसको मिनट बना लीजिए। तो जैसे हमारा ये 60 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, इसको घंटे में बनाना है, मिनट बनाना है, तो यहाँ 6 से 60 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ये हमारा मिनट में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। अगर एक घंटा है, एक घंटे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, अगर यहाँ एक घंटा है, अगर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इसको मिनट बना लेंगे और ये मिनट है ही है। तो 8 सही 6/60 और ये एक घंटे में 60 में परसेंटेज में लाएंगे 100 से गुणा। 6 6 6 60 80 81, मतलब हमारा कितना जाएगा, 81/10 अगुणे 60, ये ऊपर आ जाएगा और ये 100 हो जाएगा। चलिए 00 से 00 काट दीजिए, 6 6 6 3 18 कितना आ गया, 13 सही 1/2, यही आ रहा है। तो वही होगा, मतलब 13 सही 1/2 लिखी जाए, 13.5 लिखिए, 13.5 लिखिए जाए, 13 सही 1/2 लिखिए, ये उत्तर इसका सही है। तो इस तरीके से ये होगा बच्चों।
अगर आपको सेकंड है इसको मिनट में बदलना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मिनट में है, अगर कोई भी एक मिनट है, अगर मिनट है इसको हमको घंटे में बदलना है तो 1/60 ये घंटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से इसको हम तोड़ में तोड़ कर किए। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा सवाल नंबर कितना है? 1 घंटे तो हो गया, ये भी हो गया। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना पड़ता है? तो आसान सवाल है, फिर बता दे रहे हैं। 1 घंटे 45 मिनट की समावधि 1 दिन की बात किया गया है। तो 1 घंटे को रहने दीजिए घंटे में, इसको 45/60 कर देंगे, ये भी घंटा हो गया, ये भी क्या हो गया? घंटा हो गया। और ये इसमें 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 45 5 3 15 3 45 15 14 4 5 7 ये 7/4/24 इसको लिख सकते हैं 7/4 × 24 × 100 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25 × 100 25 × 75 175/24 हो जाएगा। तो क्या इसको आप भाग देंगे? कैसे भाग देंगे? कितना नंबर है? इसका उत्तर आएगा 7.291%। 7.291% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से ये लगे बच्चों, इस तरीके से इस अप्रोच से इस सवाल को लगाया जाएगा। या तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 20 × 7 = 14 और किसी में सर है? चलिए ऐसे लगा लीजिए, कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, शायद इस सवाल को हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखे कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखे हैं तो। अगला देखिएगा, 1 घंटे 1 दिन 12 सेकंड कितना परसेंट होगा? 1 घंटे 1 दिन 12 सेकंड कितना परसेंट होगा? सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 18 है। 1 घंटे 1 दिन 12 सेकंड कितना परसेंट होगा? तो ये सवाल भी थोड़ा सा करेक्शन है। 1 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड का कितना परसेंट है? 1 दिन का सवाल क्या है? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है? कितना परसेंट? सवाल बोला गया है कि 1 घंटे का 1 दिन 12 सेकंड कितना परसेंट है? तो परसेंट बराबर होता है जिसको परसेंट बदलना हो बटे जिससे तुलना की जाए गुणे सौ। तो परसेंट में किसको बदलना है? 1 मिनट 12 सेकंड को 12 सेकंड को तुलना किससे हुआ है? 1 घंटे से। अब देखिए मिनट बनाइए सबको, तो ये हमारा मिनट है ही है, ये 12/60 कर देंगे ये भी मिनट बन जाएगा, पूरा मिनट बन गया। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 12 × 12 = 60, 5 × 5 = 6, तो हमारा 6/5 × 60 × 100 ये हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? इससे काट देंगे 10 बार में, ये 1 0 से 0 कर जाएगा, 5 × 5 = 5 × 10। इस सवाल का उत्तर 2% आएगा। हम चेक कर लेते हैं आंसर नंबर कौन सही है। इस सवाल का उत्तर 2% आएगा, और सवाल नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही है। RRB RPF SRE
ये पूछा गया है, मतलब आर आर भी पूछा गया, आर में भी पूछा गया है और एस SI में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई एग्जाम पूछा गया है। इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से करना है। एक घंटे का नीचे लिखेंगे, एक मिनट 12 सेकेंड, तो एक मिनट को मिनट बनाएंगे, 12 सेकेंड को मिनट बनाएंगे, 7 से भाग देना पड़ेगा, और एक दिन एक घंटे में कितना मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं, इसको कर लिए। तो इस तरीके से हल करेंगे तो हमारा 2% उत्तर आ जाएगा, और इस सवाल का ये सही उत्तर है, एकदम करेक्ट जवाब। इस सवाल का बच्चों एकदम करेक्ट जवाब है। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे भावनाओं हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल जैसे कि 19 नंबर क्या बोल रहा है, 19 नंबर सवाल है, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना परसेंट है। एक सही 1/2 दिन दिन का लगा है, जिसको नीचे लिखेंगे 15 मिनट बोला है, तो 15 मिनट है, 15 मिनट रहेगा, ये मिनट रहने दीजिए 15 मिनट। तो अगर मिनट को हमको घंटा बनाना है, 7 से भाग देना पड़ेगा, ये 15/60, ये 1.5 दिन है भाई। एक सही 1/2 दिन मतलब क्या, 1.5 दिन भाई, 1 दिन और आधा दिन भाई, ये हमारा 1 दिन है और 1/2 मतलब का आधा, मतलब आधा दिन मतलब 1.5 दिन। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और आधा दिन में 12 घंटे, तो मतलब 1.5 दिन में 12 बार 36 घंटे होंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 घंटा हो जाएगा। तो 15 करना 15, 15 चौका 60, तो हमारा 1/4 × 36 अब गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 9 36, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25/9 = 36, यही सवाल का उत्तर भी दिया गया है। 25/36 यही इस सवाल का उत्तर भी दे दिया गया है। अब इससे ज्यादा चाहते तो और हल हो जाता, लेकिन इससे ज्यादा हल किया भी नहीं गया है, तो यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बच्चों आप हमारे बात को समझ पा रहे होंगे, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप हमारी भावनाओं हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए 20 नंबर इस सवाल का आखिरी सवाल, 20 नंबर इस सवाल का बच्चों आखिरी सवाल हम करेंगे, उसके बाद हम कल से आपको पढ़ाएंगे। ये टाइप बहुत लंबा टाइप है यार, बहुत लंबा है, तो हमको लगता है ये टाइप भी 3 दिन चले क्या, बहुत लंबा जा रहा है। चलिए 20 नंबर देखिएगा, हम सवाल को लिख भी दे रहे हैं। 20 नंबर बोला गया है, 7 का स्क्वायर + 1 / 2 का क्यूब / 5 का क्यूब का कितना परसेंट है, का कितना प्रतिशत है। सवाल बच्चों बहुत अच्छी सवाल है, आपको सवाल एक बार समझ लेंगे तो ऐसे सवाल आप कभी गलत नहीं करेंगे। सवाल में बोला गया बच्चों कि 7 का स्क्वायर + 1, एक क्वेश्चन में कामा लगा हुआ है, कि बोला गया 2 का क्यूब / 5 का क्यूब का कितना परसेंट है। तो पहले तो इसको हम हल कर लेते हैं, अगर इसको हल करेंगे बच्चों तो यही दर पे ही हल कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 7 × 49 और ये कितना 50, ये कितना है 50 है, ये कितना भैया, ये 50 है कामा, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इसको ऐसे रहने दीजिए, 5 × 25 = 125, ऐसे रहने दीजिए। अब इसका गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमको आगे हल ही करना है, तो हम क्यों अपने दिमाग को खर्च करें, क्यों हम आगे बढ़ें। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 50 × 8 = 125 का कितना परसेंट है, तो किसके साथ का लगा है, इसके साथ का लगा है, तो जिसके साथ का लगा है उसको हम बटे में लिख देंगे 8 × 125, और जिसको परसेंट में लगना है उसको ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत में लाने के लिए सबसे गुणा करेंगे। तो 25 × 125 और 25 × 100, 4 × 4 = 4, 4 × 8 5 × 5 = 5, 5 × 50 = 50, 2 × 2 = 2, 15 कितना बचा है 5%। इस सवाल का एकदम राइट उत्तर है, कोई इसको काट ही नहीं सकता है। यह आपका ऑप्शन नंबर कौन से, सी ऑप्शन सही है, UPSI
20 दिसंबर सन 2017 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आपको दिक्कत दे। भाई इसको हम हल कर ले, इसको हल कर ले, और इसी सुनना हुआ इसको नीचे करेंगे, इसको पर्दे में लाना है, और पर्दे में लाने के लिए सबसे बुरा करते हैं हल करेंगे, तो 5% सवाल का एकदम राइट जवाब, सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।